पंजाब 2022 दीआं चोणां नूं लै के सारी सियासी पार्टियां वल्लों अपने अपने उम्मीदवारां दा ऐलान कीता गया है। दूसरे पासे अगर गल कीती जावे तो हलका ईस्ट दे विच आम आदमी पार्टी वल्लों जीवनजोत कौर दे उत्ते दा खेडिया गया सीगा, लेकिन अज तड़कसार तो जीवनजोत कौर दीआं कुछ जो पोस्टर ने वो वायरल हो रहे हैं जिस विच उन्हां नूं पीओ करार दिता गया है। की है सारा मामला असीं जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तुहानूं सब तो पहलां उसे पोस्टर जिहड़े आ दिखा दें। मेरे पिछे तुसीं देख सकते हो कि पंजाब पुलिस पुलिस वॉन्टेड पीओ भगौड़ी लिखा गया है, आम आदमी पार्टी ईस्ट हलका जीवनजोत कौर। लगातार ही बहुत सारे इस तरह के पोस्टर इस हल्के दे विच तुहानूं नज़र आ जाएंगे, क्योंकि लगातार ही सवेर तो ही ये जो पोस्टर ने सोशल मीडिया से भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। दूसरे पास अगर गल की जाए तो इतने कांग्रेसी नेता दमनदीप सिंह जो कि कौंसलर भी ने अते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जिहड़े ने वह चेयरमैन भी ने, उन्हां दा दफ्तर भी चंद ही कदमों के उत्ते भी वेखन मिल सकता है। दूसरे पासे लगातार ही सवेर तो ही जिहड़ियां ने तस्वीर जिहड़ियां ने सोशल मीडिया से काफ़ी अग वांगू जिहड़ियां सीगियां वह वायरल हो रही सीगियां। लगातार बिक्रम सिंह मजीठिया तो बाद हुण जीवनजोत कौर के जो ये पोस्टर लगे ने यह कितना कितने सवालिया निशान जिहड़ा है वह आम आदमी पार्टी के उत्ते खड़ा कर रहा है, क्योंकि जदों बिक्रम सिंह मजीठिया के पोस्टर वॉन्टेड दे लगे सन उस वेले भी देर रात जिहड़े सीगे पोस्टर असी दिखाए सीगे ते लोकां वल्लों काफ़ी जिहड़ा सीगा इहदी कड़े शब्दों में निंदा भी की गई सी कि लगातार ही जेकर बिक्रम सिंह मजीठिया गिल्टी ने तो उन्होंने खिलाफ़ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए है। लेकिन अज जो है वह हलका ईस्ट के विच जिहड़ा जीवनजोत कौर के जिहड़े पीओ के पोस्टर जिहड़े ने वह लगे हुए ने, लगातार ही जिहड़ियां ने इत्थे सियासत भी पूरी तरह नाल गरमा रही है, क्योंकि हर हमेशा ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो भी कोई भी उनका अगर लीडर होएगा अगर भ्रष्टाचार के लिप्त होएगा तो उन्हें कभी भी टिकट नहीं दिती जाएगी। लेकिन जिस तरह ही जीवनजोत कौर नूं जिहड़ा सीगा वो टिकट दिती गई उस तो बाद लगातार इहदे उत्ते सियासत भी जिहड़ी सीगी वो हो रही सीगी। समाप्त जिहड़ा जीवनजोत कौर हुणां नाल गलबात करन दी भी असी कोशिश की ते उन्हां वल्लों इन्नी गल जरूर कही गई है कि यह पुराना मामला सी जिस विच जिहड़ा उन्होंने जान बुझ के फसाउण की कोशिश जिहड़ी है वह की जा रही है, लेकिन इस पिछे सच्चाई की है, क्योंकि हमेशा ही लीडर्स जिहड़े ने वो लोगों नूं हमेशा ही ठगन का काम जिहड़ा है वह जरूर करते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान भी होंदे ने। लेकिन अक्सर ही जो भी आम आदमी पार्टी की गल आती सी तो उस कहा जाता सीगा कि जो इसे जिहड़ा भी जिस व्यक्ति नूं भी वो टिकट दे के नवाजणगे उस व्यक्ति वल्लों जेकर कोई उस खिलाफ केस होवेगा तो उसकी टिकट दोबारा जिहड़ी है वो कट दी जाएगी। लेकिन हुण एक बार फिर तो जीवनजोत कौर दे नूं लै के जो है वो जिहड़ा काफ़ी वाद विवाद जिहड़ा आ सामने आ रहा है, तो दूसरे पासे जिहड़े जीवनजोत कौर हुणे दा कोई भी संपर्क जिहड़ा है वो साडे नाल नहीं हो पा रहा। लेकिन जो सूत्र दस रहे हैं कि जीवनजोत कौर का यही कहना है कि उन्होंने उन्होंने पहला कोई डिस्प्यूट चलता आ रहा सीगा अते उन्हां वल्लों हुण हरियाणा हाई कोर्ट के जिहड़ी है इहदे लई भी पटीशन दोबारा तो पाई गई है। लेकिन बिक्रम सिंह मजीठिया नूं भी जो सीगा हाई कोर्ट तो जो सीगा रिलीफ मिली सी उस तो बाद बिक्रम सिंह मजीठिया लोगों के सामने आए सन, लेकिन हुण दोबारा तो जीवनजोत कौर जो ने उन्होंने पोस्टर जिहड़े ने वह लगे हुए ने इस हल्के दे विच अते पोस्टर में तुसीं साफ देख सकते हो कि पुलिस वॉन्टेड लिखा होया है, पीओ लिखा है, भगौड़ी लिखा होया है, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अमृतसर ईस्ट हलका, क्योंकि इस हलके दे विच भी बहुत सारे वड्डे चेहरे जिहड़े ने वह भी हमेशा ही अपनी सरगर्म रहिंदे ने अते लगातार ही लोग जिहड़े ने वह सियासत नूं वेखदे होए सियासी गलियारे दे विच भी जरूर इत्थे हड़कम जिहड़ा है वह भी मचा होया है। दूसरे पासे लगातार ही हुण सियासतदान एक दूसरे नूं ठिब्बी देने वास्ते जरूर तत्पर ने अते कोई भी मौका जिहड़ा है उन्होंने मिलता है तो उस उत्ते जरूर चोट पाउण की गल की जा रही है। लेकिन कितना कितने अरविंद केजरीवाल वालों जो लोगों के पंजाब के लोगों नाल गल की जाती सी ते उत्थे कहा जाता सीगा कि कभी भी किसी भी करप्ट इंसान जो है वह कभी भी टिकट दे के नहीं नवाजा जाएगा। लेकिन अज की गल की जाए तो अज जो है वह जीवनजोत कौर के जो है अमृतसर के पोस्टर जिहड़े ने वो लगे हुए हैं और सवेर तो ही ये पोस्टर जिहड़े ने काफ़ी सामने जिहड़े सीगे वो आ रहे सन, इसनों वेखते हुए साडा भी
प्रमुखता से मानता सीगा कि तुहानू इस खबर बारे पूरी जानकारी दी जाए, लेकिन हुण वेखना ही होएगा कि जीवनजोत कौर दी दे खिलाफ कि पार्टी कोई वड्डा एक्शन लैंदी है जां नहीं। ये तो समा ही आएगा, लेकिन असी जीवनजोत कौर नाल भी जरूर गलबात करांगे ते जानन की कोशिश करांगे जिहड़े पोस्टर लगे ने इहदे पिछे कारण की है। दूसरे पासे हुण यह भी वेखना होगा कि टिकट ते नहीं जिहड़ी आ ओह कट्टी जांदी, क्योंकि इत्थे आम आदमी पार्टी दे वरुण जो दूसरे उम्मीदवार ने वह भी जरूर इतने पैर पसारते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने पोस्टर भी होना जरूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जड़े जड़े इतने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने दमनदीप सिंह, उन्होंने दफ्तर भी बिल्कुल ही नज़दीक है। हुण यही समा दसेगा कि 2022 सियासी पार्टी जी है वो अपना जरा परचम जरा पंजाब लहराती है, लेकिन कितना कितने पोस्टर वॉर जी दोबारा तो शुरू की गई है, जिस विच जीवनजोत कौर नूं पीओ जो है वो दस्या जा रहा है। मेरा नाम जीवनजोत कौर है। हाँ जी, तो केड़ी पार्टी तुसी असले? मैं आम आदमी पार्टी तो इस बार हल्का पूर्वी तो उम्मीदवार हाँ। मैम इल्जाम आंडे तुहाडे उत्ते कि तुसी 2017 तो पीओ राज्य अदालत वालों की है सारा मसला? देखो इदा आ कि पहली गल तो अज मैनू ये अज पहले दिन महसूस होया भी मैं पंजाब की पोलीटिक्स पैर रख लिया। सो दूसरी चीज़ मैं ये कह रही कि जिहड़ा केस है ये तो बिल्कुल हक सच की लड़ाई वाला केस है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे नाल चीटिंग की थी, मेरे चैक्स मिसयूज़ किए गए, जिस करके मैं इन दी कंप्लेंट की सी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, उस उत्ते इसकी कंप्लेंट की सी, और किस्मत चंगी कहो या ये कहो भी हक सच की लड़ाई सी, तो उस कंप्लेंट पर फॉरन एक्शन लिया गया और बैंक नू विजिलेंस की इनक्वायरी मार्क हो गई सी। बैंक ने मेरे ते बहुत अनड्यू प्रेशर पाया कि एक कंप्लेंट वापस ले जाए, नहीं तो बैंक मेरा पॉलिटिकल करियर जीरो कर देगा। और आम आदमी पार्टी थी, लेकिन 2017 का केस है। हाँ जी, 2017 विच भी इलेक्शन सीगा और इलेक्शन तो पहले ही ये सारा किया गया सी, और उस टाइम तो मैंने कहा गया सीगा कि असी सारे शहर से थोड़े पोस्टर चिपका देंगे, और मैं ये चीज़ भी इन राइटिंग लेके आई हाँ। तुसी जिस दिन कहोगे पूरी की पूरी फाइल तुहानू दिखाई जाएगी कि किस तरह बैंक ने काउंटर फॉयल्स गायब किए, किस तरह बैंक ने हैंडराइटिंग अपने दे विच चेक भरिया, मेरा हैंडराइटिंग भी नहीं है, किस तरह बैंक ने हर चीज़ नू मिसयूज़ किया। और उस तो बाद मैनू फिर हाईकोर्ट जाना पिया, तो मानयोग हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिते हुए। मैडम तुसी अदालत विच पेश हो के अपना पक्ष दस्या, क्योंकि तुहाडे हुण पीओ दे ऑर्डर ने, तो उत्थे दस्या गया कि एसएचओ जदों चाहे अरेस्ट कर सकदा है। हाँ भाजी, ये पीओ ऑर्डरस जिस केस दे अंडर सीगे वो सारे केस दे उत्ते स्टे चल रहा है, ये सारे केस के उत्ते स्टे चल रहे हैं। और सैकेंडली जिस चैक की ये मैनशन किया गया वो शायद 1,65,000 का चैक है, जबकि उस तो बाद 2,65,000 की पेमेंट मैं डिपोजिट करवा चुकी हाँ। तो फिर कोर्ट से तुसी क्यों अपना पक्ष नहीं पेश कर पाए, की कारण है? नहीं, कोर्ट से बिल्कुल पक्ष पेश है, स्टे किवें मिलिया है, स्टे भी तो स्टे किवें मिलिया है, बैंक के उत्ते हाई कोर्ट ने कंटेंप्ट पाया, तो आफ्टरऑल किसी रीजन करके पाया गया ना। इस ऑर्डर के ऊपर स्टे जड़ा आज की डेट से तुसी कह रहे हो कि लग चुका है, मतलब ये ऑर्डर जड़ा वैलिड नहीं है। 2018 तो इस केस के ऊपर स्टे चल रहा है, एक डिस्प्यूट है और चीटिंग केस है बिल्कुल, जिते जे सेंट्रल बैंक और वो बहुत हाई ऑफिशियल्स ने मिलकर मेरे नाल चीटिंग की है, और मेरी लड़ाई यही सी कि बैंक्स अगर पढ़े लिखे लोगों को इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, तो जिहड़ा साडा बेचारा अनपढ़ तबका है या जिन्हां नूं लॉ दी नॉलेज नहीं है उन्हां बेचारियां दा की हशर हो रहा होगा। क्योंकि मैं कंप्लेंट कर दित्ती सी, क्योंकि बैंक दी चीटिंग कंप्लेंट की गई कि बैंक ने मेरे तो ब्राइब ली है, मेरे तो 2 चैक्स मिस यूज करके मेरे तो ब्राइब ली गई है, 4,00,000 रुपए के चैक्स मिस यूज किए गए, जिदे उत्ते बाद दे विच सिग्नेचर्स फोर्ज किए गए, उस तो बाद इस चैक नू आप भरिया गया, ये चैक का हैंडराइटिंग बिल्कुल मेरा हैंडराइटिंग नहीं है, किसी भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नू कॉन्टैक्ट किया जा सकता और मेरा हैंडराइटिंग दे नाल मैच किया जा सकता है, ये मेरा हैंडराइटिंग नहीं है।